गुड मॉर्निंग एवरी वन एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर फाइन। सो आज है 26 अप्रैल और अभी सुबह के 4:30 हो रहे हैं और मैं ये ब्लॉग इसीलिए बना रही हूँ क्योंकि फाइनली 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 मैं केदारनाथ जा रही हूँ, मैं, केशव, खुशी एंड कार्तिक शर्मा। और हम लोगों का, मतलब मेरा स्पेशली, पिछली बार भी जाने का इतना मन था, लास्ट टू लास्ट ईयर भी जाने का इतना मन था, लेकिन प्रोग्राम ही नहीं बन पाया। केशव चला गया पापा के साथ लेकिन मैं ही रह गई। लेकिन इस बार फाइनली फाइनली बाबा जी ने बुला लिया, भोले बाबा ने। सो केशव हमें लेके जा रहा है अपने साथ थार में। आइए मिस्टर केशव शर्मा। केशव यहीं पे खड़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। कैसा लग रहा है केशव, तो मेरे साथ जाएगा? एक्साइटेड? रोज का तेरे रो भाई का मेरे रोज का है। रोज का क्या है, कहीं ना कहीं हमेशा कहीं ना कहीं घूमता रहता है। मैंने केशव हमें भी ले जा प्लीज, फाइनली हम लोग केदारनाथ जा रहे हैं। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ जाने के लिए। और कल ही का पार्ट खुले है ना? हाँ जी, हाँ कल ही का पार्ट खुले और हम लोग आज जा रहे हैं। और मैं भी चाय का वेट कर रही हूँ। चाय पीने के बाद मैं जाऊंगी नहाने और मम्मी सुबह सुबह लग गई है खाना वाना बनाने के लिए, पैक करने के लिए। तो बाय बाय, मिलते थोड़ी देर में। मैं नहा धो के तैयार हूँ। केशव मैं भी हल्लम जा रहा था कि आप लेट करोगी, आप लेट करोगी। और मेरी वजह से नहीं, खुशी की वजह से लेट है। खुशी अब नहाने गई है और 5-6 बजने वाले हैं। क्या मम्मी हमारे लिए खाना पैक कर रही है? उसमें जरूरत नहीं है, है ना? जरूरत नहीं है ना? पूड़ी और हलवा कह रही है, सब्जी और सॉरी पूड़ियाँ और सब्जी, आलू की सब्जी, सब्जी हलवा, मतलब पूड़ी और सब्जी। मेरी माँ की मेहनत, सुबह सुबह 5 बजे उठ के, उठने के बाद से लगी है मेरी मम्मी। गुड गुड, वेरी गुड। ले भाई ले, ले किसी रख दे मैंने। यहाँ पर आ गया तेरे बोल पे। मैं जीत रख दे, ठीक है? बाय बाय बाय। चलो चलो। काकू क्या हाल है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बाय कन्नू। बाय। जय श्री राम। वृंदावन बिहारी लाल की जय। हर हर शंभू। तो हम खुशी की वजह से लेट हैं, हमें तबीयत खराब है, तबीयत खराब है, बैठ गई आगे। काकू मुझे लग रहा है आगे बैठने के चक्कर में तबीयत खराब हुई है। तेरी बात बिल्कुल सही है। इसलिए किससे मैंने फोन छीन के आगे ले लिया, मैं गाड़ी बंद चलाऊंगा पहले। काकू का ब्लॉग बन रहा है। काकू को खुद को इतनी शर्म आ रही है। मेरे लिए बंदे है ना ब्लॉग बनाने के लिए। इसके बंदे हैं ये फट ब्लॉग बनाने से। ये रोड बनने से बहुत फायदा हो गया। हाँ इससे फायदा होता है। ओम सूर्य नारायण नमः। सूर्य देव के दर्शन कर लो बच्चों। सनराइज हो रहा बहुत प्यारा। 7:15 हो रहे हैं और इतनी प्यारी आ रही है धूप। और काकू बहुत दिन पक्का। और आज के ड्राइवर साहब से मिला थे। हाय केशव। और मिस रामी जी। हाय। तुम्हारी पास मैं बीमारी हूँ तू। और काकू बहुत जल्दी इंट्रोड्यूस करा रही थी। कोई बात नहीं, जब जागो, जब जागो जब सवेरा है तो खुशी सुबह सुबह देखो, खुशी सुबह सुबह उठ के आई, कहती दीदी सुबह से वोमिटिंग लग रही, क्या करूं? मैंने कहा क्या करना है ना? तो केशव ने बोला, बोले ने क्या बोलते हैं, दवाई ले ले ठीक हो जाएगी। दीदी फिर भी क्या करूं? जब शायद काकू ने बोला, किसने बोला, चारू ने बोला आगे बैठ जाइयो। अच्छा ठीक है। खेल गई ये माचिस के डब्बे में पीछे बैठा दिया हमें। और अगर काकू एक घंटे में कहीं भी उतरना होगा यही उतरेगी। हाँ अगर एक घंटे के अंदर अंदर इसको वॉमिटिंग नहीं हुई भेंगे पीछे, फिर जाएगा तू, फिर जाऊंगी मैं। और एक बार भी आएगी नहीं आएगी, एक एक घंटे के लिए बैठेंगे। हाँ ठीक है।
मैंने बेल्ट लगा ली भी केशव कह रहा था बार बार मेरे ऊपर आके मत गिरो चुप चाप बेल्ट लगा लो तो मैंने तो भाई तू एकदम झटके से ब्रेक मारा तो मैं ऐसा डर रही हूं यार एकदम से कुछ सामने आएगा तो झटके से हां तो ठीक है तो भाई मैंने लगा ली सीट बेल्ट चल लगा फिर लगा से फिर लगा सर ये हमारा पहला स्टॉप और इसका नाम है मिडवे नमस्ते खुशी क्या क्या लेगी उसका पेट खराब है हम लोगों ने चाय ली है अपने लिए उन लोगों ने कॉम्प्लीमेंट्री ये दिए है रस्क और हम लोग खाना लेकर आए थे घर से वो हम लोग खा रहे हैं स्नैपचैट भी मेरा ब्लॉग बन रहा है नहीं खाएंगे पिंक कैसे जो भी खाने को बैठो मुंह में कहीं देखो गाइस कान धो रहा है तो तू व्लॉगर्स के साथ जा रहा है ना क्यों कहा तू व्लॉगर सस्ता वाला 2.2 सबसे महंगा मैंने अमीर से खाया फिर वजह अभी आपने क्या बोला जल्दी बताओ नहीं मैं नहीं बोलूंगी कुछ नहीं बोला कुछ भी नहीं बोला मुझे अब्यूज कर रही है तो जब करूंगी कैमरा ओपन होते हुए शुरू हो गए हैं बहुत सुंदर सामने का नजारा है और ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है लेकिन जैसे ही काकू की शक्ल मेरे कैमरे में आती है नजारा खराब हो जाता है पाठ शुरू हो गया हरिद्वार आते ही गंगा जी कितना सुंदर लग रहा है गाइस ओके गाइस थैंक यू गाइस बोलो गंगा मैया की जय गुड गाइस एक बार बताओ बहुत देर से कुछ रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन ये दीदी मैं कैसे बैठूं ये ट्रक ये मुआ ट्रक सीमेंट लेके कहाँ केदारनाथ जा रहा हमारे आगे आगे हट ही नहीं रहा है हम वो बनवा रहे हैं ना दीदी रिजॉर्ट अपना पर्सनल केदारनाथ में बस कुछ भी है ना तो ये ट्रक हमारे साथ साथ जाएगा है ना काकू जी सिस्टम फेंकू काकू फेंकू चंद गाइस पहाड़ शुरू हो चुके हैं पहाड़ शुरू हो चुके हैं बड़ी मुश्किल से ट्रक हटा है देखिए ऋषिकेश पहुंच चुके हैं कुछ टाइम दिखा यहाँ पे अराइवल और यहाँ पे 205 किलोमीटर और सांप सीढ़ी बन चुकी है 5 किलोमीटर हां तो ओ माय गॉड एमी जी ने बोला है आवर्स आर लेफ्ट एंड वी विल रीच बाय 5 सांप सीढ़ी बन गई कुछ देख पाए वाह वाह थैंक यू सो मच ओके अब हम ऋषिकेश में घूम रहे हैं और ऋषिकेश से है केदारनाथ 230 किलोमीटर वो अलग है मुझे ऐसा लग रहा है जैसे लग रहा है मैं ऋषिकेश आई हुई ना वैसे लग रहा है स्कूटी पे सब घूमा हुआ है जब दीदी ऋषिकेश आई हो तो घूमी होगी हाँ मतलब मस्त व्यू का मजा लेते हुए हम केदारनाथ जा रहे हैं बाइक राइडर भी हमको मिल चुके हैं गाइस ये देखो क्या है भाई दूर रह गए दीदी अभी 4 घंटे 50 मिनट का रास्ता हो रहा है ये देखो यहाँ से कितना प्यारा व्यू है क्या प्यारा व्यू है हमारे पे उसका करोगे जी अच्छा अभी कह रहे फोटो खींचो पीछे जाके अभी 12:30 बज रहा है हम लोगों ने सुबह से कार अब रोकी है कुछ खाने के लिए सबको भूख लग रही है अच्छा वो वहाँ कह रहे हैं फोटो के लिए देख इधर
आशु जी एक ढाबे पे रुकी है, यहाँ पे खाएंगे खाना, और वो अंकल कह रहे हैं यहाँ पे लो फोटो, यहाँ पे ये व्यू नदी। अच्छा ये ढाबे के पीछे का ये क्या सब्जी है खाली खाएगा। बहुत ही अच्छी चीज है ये आड़ू की खीरा, नमकदार खीरा। ये खीरा बहुत पसंद है मुझे। हाँ खुशी देखो क्या कर रही है, निकाल लिया अपना वो रस का पाउडर निकाल लिया। काकू ने लिया अपने लिए, बहुत अच्छी चीज है। ये क्या चल रहा है? अच्छा खुशी की तबीयत खराब है तो उसके लिए इलेक्ट्रोल इलेक्ट्रोल मिलावट मिलावट चल रही है। खुशी पानी बात दे। 3.5 घंटे में हम लोग पहुंच जाएंगे। मैं फाइनली आगे बैठ चुकी हूँ क्योंकि मेरे गले में चक्कर आ रहे हैं। मेरे गले में चक्कर आते हैं हम लोग, मैम कहीं भी अगर कहीं हिल स्टेशन जाते हैं ना, मैं सच्ची में इतना ज़्यादा गला घूमता है, तो इसलिए मैं आगे बैठ गई। केशव बेचारा नॉन स्टॉप ड्राइविंग कर रहा है। गुड केशव, वेरी गुड। और खुशी सो रही है, और काकू काकू जरा मैं देर से बात कर रहा हूँ कमरे की, कमरे की अच्छा रूम की रोंगी। अच्छा ठीक है, सो चल किशोर क्या बोल रहा था? पापा जी जल्दबाजी करते ना फोन काटने में। हाँ। बाबा उनसे भी ऊपर है, मतलब पापा ने अपनी बात कही, अगर मैं कुछ बोल रही थी पापा को अपने फोन काट दिए, तो केशव कह रहा है जो हमारे बाबा है वो उनसे भी ऊपर है। हाँ केशव क्या करते हैं वो दो बात करेंगे सिर्फ दो। हाँ तुम्हारे दूसरी बात लपड़ा सुनेंगे ही नहीं, तुरंत कटाक। बहुत ही क्यूट सा शहर आया ये, गांव जैसा शहर, गांव जैसा। अरे बाबा बोलना क्या चाहते हो? अजीब सा क्यूट सा शहर आया, गांव जैसा शहर आया। पता नहीं गांव था कि शहर था, लेकिन बहुत अच्छा था, सुंदर था। तो हाँ ये दीदी को ग्रेटर नोएडा में रह रहा है ना, फॉल्ट हो गया दिमाग में। किस क्या बिगड़ी? ग्रेटर नोएडा में रह रहे हैं। कितनी सुंदर लग रही है यार नदी, कितनी सुंदर लग रही है। गंदा ही है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। सो अभी 3 बजने वाले हैं 2 मिनट में, और हम लोग 2 घंटे में पहुंच जाएंगे। और भाई केशव की ड्राइविंग से मैं बहुत इंप्रेस हूँ आज, एक नंबर कार चलाई लड़के ने, एक नंबर, मजा आ गया सच्ची में। और इतने ऐसा लग नहीं रहा, बहुत जल्दी हमने मेरे ख्याल में कवर कर लिया है, टाइम से ही कर लिया है ना। हाँ हाँ भाई काकू क्या कहना चाह रहे हैं? बहुत जल्दी पहुंचने वाले हैं, बहुत जल्दी पहुंचने वाले हैं, 2 घंटे में पहुंच जाएंगे। केशव क्या चाहिए नाम में बता, स्प्राउट मैं दूंगी तुझे आशीर्वाद, दैट्स इट। पैसे पहले तेरे पास है तो हमें थोड़े से दे दे। क्या बोल रहे केशव? अब चढ़ के जाओगी ना, हाँ, जब वहाँ पहुंचोगी मंदिर पे, हाँ, जब तुम वो मंदिर देख के जो फीलिंग तुम्हारी आएगी ना, वैसी होगी, सब खत्म हो जाए, धरती फट जाए, सब मर जाए, बस यही है जो बस ये स्वर्ग मिल गया, मोक्ष मिल गया, बस ऐसे। मैं इतनी ज्यादा एक्साइटेड हूँ ना कल ट्रैकिंग करने के लिए, मंदिर देखने के लिए, इतना ज्यादा मैंने रील्स में देखा, इतना ज्यादा सुंदर लगता है वो मंदिर। जब तुम चढ़ के जाके कुछ जब निहाल से जाके देखोगी ना, तो जब देखना फील ऐसा है खत्म सब कुछ, बस उसका अलग ही फील है, अलग भी बहुत अलग फील है। काकू भी पहले जा चुका है, काकू भी, हाँ मैं देखी इसकी स्टोरी भी पहले। स्टोरी दीदी मैं घर से गया, तूने तूने पागल, यहाँ यहाँ जाने से, यहाँ पे निकलने से पहले भी इसने पहले अपने इंस्टाग्राम पे वो स्टोरी डाली है, है ना, जो कपाट खुले थे। हाँ, यार काकू इसका ना ये जो मैं ये आम रेस्ट ये छोटा करवा, ये गेयर ऐसे लगाने पड़ते हैं, ये छोटा होना चाहिए साइज, कंधा ना नीचे आना चाहिए, इसका कंधा देख मेरा ऊपर आता है, इसे कितना अच्छा व्यू आ रहा है, मैं दिखा दे
ये बादल इतने सुंदर लगता है ना। अभी हम लोग सिर्फ 1.5 घंटा रह गया पहुंचने में, लेकिन केशव काकू कह रहा है कि सारा ट्रिप दीदी गाड़ी में निकाल दे, फिर रुक जाओ बैठ के यार। इतनी जल्दी क्या करोगे, पहुंचोगे तो ट्रैक तो कल से स्टार्ट करोगे ट्रैकिंग। तो सो हम लोग रुके हैं यहाँ पे चाय पता नहीं कौन यहाँ पे रुके हैं, हम यहाँ पे रुके हैं चाय और कॉफी के लिए। और खुशी मैडम और केशव कह रहा है कि शिवलिंग जैसा लग रहा है। हाय मैडम, क्या कह रही है? मैं फोटो खींची हूँ। अच्छा ठीक है ठीक है, कैसे आ रही है? देखिए कितने नाटक कर रही है लड़की, फोटो खींच दे मेरी क्या फोटो, दो सौ लगेगा एक फोटो का। क्या देखना फोटो दिखा, तुमने फोटो हम लोग कॉफी पी चुके हैं और वापस से हमें खुशी ने पीछे ढकेल दिया है और खुशी बहुत ड्रामे कर रही है ड्रामे नहीं, वो सच्ची में तो खुशी आगे आ चुकी है ड्राइवर के साथ, या यस कोई कह सकते हैं कि इसमें कुछ हो रहा है। प्योर नौचंकी और दवाई ले ली है इसने और हाँ गगू फिर दवा मेरे पे असर नहीं। चलो दीदी पहुंच जाएंगे एक घंटे में, एक घंटा 1.5 घंटा जितने में पहुंचेंगे, आपको थोड़ी देर में मिलते हैं। कृपया इस ब्लॉग से बने रहे, जुड़े रहे आगे की जानकारी के लिए। बाय बाय। जो पढ़ देख रहे थे हम काकू, वो पॉइंट सा घर तो पढ़ दे, खुशी क्या है वो ये, और वहाँ पे वो हिमालय अगर दिख रहा होगा इसमें तो कैलाश। अरे यार बच्चे कितने बदतमीज है ये, जरा सा कुछ निकल जाए हिमालय तो बोलते है थोड़ी हंसेगी ना एमिटी तो हंसेगी। और जाम लग रहा है, खुशी आगे बैठ चुकी है, शक्ल लेके आगे बैठ गई ना, कह रहे वो कह रहे गरीबों को बेचो बता तुम नहीं हट रहे। इतने सुंदर लग रहे हैं, इतने सुंदर लग रहे हैं, अच्छे से कैमरे में आ भी नहीं रहा है, इतना प्यारा व्यू है यहाँ से। और हम बस ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत जाम था, वरना अभी तक पहुंच जाते। और बारिश, हाँ और बारिश भी स्टार्ट हो गई है, और खुशी तो आगे बैठी है। काकू बेचारे को आगे बैठने का मौका नहीं मिला, कोई बात नहीं जब जाएंगे तब भी पीछे बैठे। बादल अब ट्रैफिक नहीं, जहाँ हम एक घंटे में पहुंचने वाले थे सारा रास्ता हमने ऐसे निकाल दिया, और यहाँ का एक घंटा लग रहा है कम से कम 3 घंटे क्योंकि बहुत ट्रैफिक है। और ये हमने ट्रैकिंग के लिए बचाए थे, ये हमें कार में खोलने पड़ गए क्योंकि बहुत देर से हम लोग ट्रैफिक में और भूख लग रही है। सारे रास्ते सही है, सब कुछ ठीक है, आने के लिए बिल्कुल अच्छा मौसम है, बहुत ज्यादा बारिश भी हो रही है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ट्रैफिक है, दैट्स इट। अगर आपको आना है तो आप आ सकते हो, ट्रैफिक तो बहुत गंदी है। गाइड सो अभी 6:40 हो रहे हैं और हम लोग अभी अपने गेस्ट हाउस पहुँचे हैं, और गेस्ट हाउस पहुँचे हैं। कल हम लोग यहीं से गौरी कुंड के लिए निकलेंगे, सुबह निकलेंगे, किस टाइम 4:30 बजे यहाँ से निकल जाएंगे, ताकि फिर वहाँ पे हमें लाइन में ना लगना पड़े क्योंकि बहुत लोग आ रहे हैं, काफ़ी ट्रैफिक था ऑलरेडी। सो यहाँ से गौरी कुंड के लिए निकलेंगे, फिर वहाँ से ट्रैकिंग स्टार्ट होगी, फिर वहाँ से अपना ट्रैकिंग स्टार्ट कर देंगे, अपना भी बैग वैग पैक करेंगे और मिलते हैं थोड़ी देर में, बाकी मैं आपको बताता हूँ क्या होगा। सो मैं ये वाला व्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ, डे 1 इन केदारनाथ, और कल का व्लॉग मैं अलग से उसकी वीडियो में अलग से बनाऊँगी, जो पूरा ट्रैकिंग करेंगे, कैसे कैसे ट्रैकिंग करी, हम पहुँच गए, कैसा रहा एक्सपीरियंस, सब कुछ। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ,
ये सारा ट्रैकिंग का सामान है जो कल सुबह पहन के जाना, जैकेट वगैरह। और मैंने अपनी जर्नलिंग भी करी, मैं इसको ऊपर नहीं लेके जाऊंगी, इसको यहीं पे छोड़ के जाऊंगी। और ये था आज का दिन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। और मेरे साथ इस वीडियो में और इसकी बाकी की आने वाली जो भी और भी वीडियोज होंगी उसमें जुड़े रहें, ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे कि कैसा रहा है एवरीथिंग। और आज का दिन भी अच्छा था, बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब नहीं है जैसे न्यूज़ में आ रहा है, बस ट्रैफिक है, दैट्स इट। बहुत हल्की हल्की सी बारिश है और अभी तक तो यही है। और आज 26 तारीख है और कल वहाँ पे जाके क्या होगा वो मैं बताऊँगी आपको कल के ब्लॉग में। सो स्टे ट्यून, बाय बाय।